उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने जिलाधिकारी को तलब किया है। उन्नाव के जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे गुरुवार को कोर्ट में पेश होकर इस मामले में गवाही देंगे। इस मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, माखी थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक भदौरिया, सब इंस्पेक्टर केपी सिंह और एक अन्य के खिलाफ 120B और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। उन्नाव रेप केस में मामले में पीड़िता के पिता को झूठे आर्म्स केस में फंसाने और पुलिस हिरासत में उनकी मौत के मामले में विधायक सेंगर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने गत मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रथम दृश्य में पाया कि मामले में बड़ी साजिश रची गई है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता 3 अप्रैल 2018 को दिल्ली से पेशी पर आए थे और अपनी मां को दवा देने के लिए गांव गए थे। इसी दौरान विधायक के भाई अतुल सेंगर ने अपने साथी टिंकू सोनू विनीत के साथ मिलकर उनसे मारपीट की थी। इसके बाद पुलिस पर दबाव बनाकर पीड़िता के पिता पर ही आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जांच में पाया गया कि मारपीट करने वालों ने ही पुलिस को तमंचा देकर उसे पीड़िता के पिता के पास से मिलने की बात बताई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे। बता दें कि पिछले दिनों सड़क हादसे का शिकार होकर जिंदगी की जंग लड़ने वाली पीड़िता ने हादसे से कुछ दिन पहले ही केस उत्तर प्रदेश के बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, जिसकी सुनवाई 30,000 कोर्ट में चल रही है। बता दें कि विधायक कुलदीप के खिलाफ शिकायत लेकर पीड़िता के पिता थाने पहुंचे थे। आरोपों के अनुसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने गए पीड़िता के पिता को ही फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं नमन शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।